कैसे हैं आप सब लोग? और आज का दिन भी जयपुर का काफ़ी प्लीजेंट है। देखिए पूरे बादल और क्लाउडी, मतलब धूप तो आज बिल्कुल निकली ही नहीं और काफ़ी प्लीजेंट वेदर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कहीं घुमा कर लाऊँ बाहर से। और आज जो मैं सोच रहा था कि जयपुर में एक बहुत फेमस मंदिर है, गोविंद देव जी, कृष्ण भगवान का, राधा कृष्ण का मंदिर है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है जयपुर वालों के लिए। आज चलते हैं गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन करने। दोस्तों, गोविंद देव जी मंदिर जाने के पहले मैं इस मंदिर के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देना चाहता हूँ कि करीब आज से 5600 साल पहले मथुरा के एक राजा थे व्रजनाभ। और व्रजनाभ जी जो थे वो कृष्ण भगवान के सीधे वंशज थे और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कृष्ण भगवान की डॉटर इन लॉ थी। तो एक बार उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर से ये पूछा कि भगवान श्री कृष्ण दिखते कैसे थे, उनका स्वरूप कैसा था। तो जो भी उनकी ग्रैंड मदर ने उनको डिस्क्राइब किया भगवान के बारे में कि वो ऐसे दिखते थे, उनका मुख ऐसा था, या वो इतने लंबे थे, इतने जो भी कॉम्प्लेक्शन था, या जो उस बेसिस पर उन्होंने एक प्रतिमा बनानी, यानी कि आइडल बनानी, मूर्ति बनानी शुरू की भगवान की। तो जो पहली मूर्ति उन्होंने तैयार करी, तो वो जब उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को दिखाया तो उनकी ग्रैंड मदर ने ये बोला कि ये जो प्रतिमा है और जो इस प्रतिमा का चरण है वो सिर्फ भगवान को रिजेंबल करता है, बाकी शरीर का कोई हिस्सा भगवान की तरह नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट लिया, दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने दूसरी मूर्ति तैयार की और फिर जब उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को दिखाया तो उनकी ग्रैंड मदर ने उनको ये बताया कि इस मूर्ति का जो वक्षस्थल है, यानी कि चेस्ट पार्ट, वो सिर्फ भगवान की तरह दिख रहा है, बाकी शरीर का और कोई हिस्सा ऐसा नहीं दिखता था। तो उन्होंने थर्ड अटेम्प्ट लिया, तीसरा, और तीसरे प्रयास में जो मूर्ति बनकर तैयार हुई, जब उनकी ग्रैंड मदर ने उस मूर्ति को देखा तब उन्होंने बोला कि हाँ, ये बिल्कुल साक्षात भगवान की तरह दिख रहे हैं। तो वो जो साक्षात प्रतिमा थी भगवान की, वही जयपुर के श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित है। तो आज भी ये माना गया है कि ये मूर्ति जो है बिल्कुल जीवंत है और गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है, जो भगवान है गोविंद देव जी, उनको जयपुर के शासक का भी दर्जा मिला हुआ है। और ये जो राजा महाराजाओं ने उस समय अपने लिए चंद्र महल बनवाया हुआ था, तो ये चंद्र महल वाले हिस्से में स्थापित है। और मूर्ति की स्थापना, मंदिर की स्थापना के पहले राजा खुद ही रहते थे यहाँ पर, लेकिन एक रात ऐसा कहते हैं कि उनको सपना कुछ ऐसा आया कि भगवान ने उनको आदेश दिया कि ये महल खाली करो और यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करो। तो फिर राजा जो है वो चंद्र महल का हिस्सा छोड़कर खुद वो सूरज महल में चले गए और इस चंद्र महल वाले हिस्से में ही आज की तारीख में वो गोविंद देव जी मंदिर स्थापित है। चलिए फिर देखते हैं गोविंद देव जी मंदिर का दृश्य। चले आज गोविंद देव जी मंदिर घूम कर आए? चलिए, हम रेडी। रेडी हो बेटा? चलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद देव जी मंदिर के पास और मैं ये आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाता हूँ। ये गोविंद देव मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये बगल में एक गोविंदम रेस्टोरेंट है और ये चंद्र महल। दोस्तों, शू स्टैंड में अपने जूते चप्पल रखने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर की तरफ। Thank you.
समर्थ दर्शन हुए। करिए दर्शन। और दोस्तों वापसी में हवा महल का इतना अद्भुत नज़ारा भी हमें देखने को मिला, हवा महल का लाइट भी। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर